और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का, और आज का हमारा नंबर है 39। ये नंबर तमिलनाडु की लोकसभा सीटों का है, जहां पिछली बार डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन अब की बार बीजेपी को दक्षिण के इस राज्य में चमत्कार की उम्मीद है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में तमिलनाडु के लोगों का दिल जीतने और वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में अब की बार वाकई चमत्कार होगा, या फिर डीएमके प्रमुख स्टालिन की अगुवाई में फिर से विपक्षी गठबंधन ही बाजी मारेगा। फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर द्रविड़ राजनीति के इस केंद्र में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने पर है, ताकि अब की बार 400 पार का सपना साकार हो सके। आज मैं देख रहा हूं पूरे तमिलनाडु में बीजेपी ही छाई हुई है। நீங்கள் இந்த மனிதனை கொண்டாடுங்கள் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, பாரத் மாதா கி ஜெய். பாரத் மாதா கி, பாரத் மாதா கி. ஹர் கோய் கஹ ரஹா ஹை डीएमके की विदाई बीजेपी और एनडीए के द्वारा ही होगी। பத்தாண்ட காலமா தமிழ்நாட்டு மக்களை மதிச்சு தமிழ்நாட்டுக்குன்னு எந்த சிறப்பு திட்டத்தையும் செஞ்சு கொடுக்காத பிரதமர் மோடி இப்போ வாக்கு கேட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு சிறப்பு திட்டங்களை செஞ்சு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாரா? இல்ல. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में तमिलनाडु की सातवीं यात्रा के दौरान सबसे पहले मंगलवार को चेन्नई में रोड शो किया, फिर बुधवार को वेल्लोर में चुनावी रैली की, और आखिर में कोयंबटूर के मेट्टुपलायम में जनसभा को संबोधित किया। कोयंबटूर में मेट्टुपलायम में प्रधानमंत्री ने कैसे तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके और विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सियासी तीर चलाए, पहले उसे सुनिए, फिर आपको कोयंबटूर समेत पूरे तमिलनाडु का सबसे नया चुनावी अंकगणित भी दिखाएंगे। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस डीएमके के इंडी अलायंस ने दशकों तक एससी एसटी ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को मकान बिजली पानी के लिए तरसा कर रखा, क्योंकि इनकी सोच थी कि सबको मकान बिजली नहीं मिल सकता। लेकिन बीजेपी सरकार ने करोड़ों गरीबों को पीएम आवास दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया, और इनमें अधिकांश एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं। चुनावी माहौल में तमिलनाडु की जमीन पर प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की जिंदगी में आए बदलाव का जिक्र यूं ही नहीं किया। इस बयान के पीछे वो अंकगणित है जो तमिलनाडु की राजनीति को विशेष बनाती है। 7 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस राज्य में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 68% है, तो अनुसूचित जाति 20% है। यानी तमिलनाडु के ओबीसी और एससी मतदाता ही यहां के सियासी भाग्य विधाता है। तमिलनाडु पिछले 57 साल से द्रविड़ राजनीति का केंद्र रहा है। दक्षिण का ये राज्य बीजेपी के लिए एक ऐसा किला है जहां वो कभी कभार ही दाखिल हो पाई है। इस सूबे को फतह करना तो दूर, यहां दमदार मौजूदगी भी कभी बीजेपी दर्ज नहीं करा सकी है। नरेंद्र मोदी अब इस सच को बदलना चाहते हैं।
ऐसे में अब की बार बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके ही नहीं बल्कि एआईडीएमके गठबंधन से भी मुकाबला कर रही है। क्योंकि राज्य की सत्ता पर डीएमके गठबंधन काबिज है, लिहाजा प्रधानमंत्री के सियासी हमले का पहला निशाना भी यही गठजोड़ है। करप्शन और स्कैम का दूसरा नाम है डीएमके। आज देश 5G में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इसी डीएमके ने 2G में स्कैम करके देश को बदनाम किया था। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए डीएमके और कांग्रेस सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कोयंबटूर तमिलनाडु की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले डीएमके के गणपति पी राजकुमार और एआईएडीएमके से सिंगाई रामचंद्रन है। 2019 में कोयंबटूर सीट से डीएमके गठबंधन के सीपीआईएम उम्मीदवार पीआर नटराजन ने एआईएडीएमके गठबंधन के बीजेपी उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 179,000 वोटों से हराया था। सीपी राधाकृष्णन जो अभी झारखंड के राज्यपाल हैं, वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 1998 और 1999 में कोयंबटूर से चुनाव जीत चुके हैं। 1998 के चुनाव प्रचार के दौरान कोयंबटूर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। तब बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने शहर में कई जगह बम प्लांट किए थे। इस दौरान आडवाणी की जान तो बाल बाल बची थी, लेकिन बम धमाकों में 58 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर के मेट्टुपलायम की सभा में उन धमाकों का जिक्र करते हुए डीएमके और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। डीएमके और इंडी अलायंस के लोग तुष्टीकरण के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। यही कोयंबटूर में हमारे पवित्र संगमेश्वरा मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन डीएमके सरकार कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के जगह उन्हें बढ़ावा दे रही है। बीजेपी को अब की बार तमिलनाडु से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि बीते 10 साल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमिल भाषा और संस्कृति का जिक्र कर तमिलनाडु के लोगों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जब नरेंद्र मोदी ने 9 दिन का विशेष अनुष्ठान किया, तो तमिलनाडु में भी भगवान राम से जुड़े मंदिरों में विशेष पूजा की। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। मैं तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़े स्थानों पर आता हूं, इन्हें उससे भी तकलीफ होती है। ये लोग तो सनातन धर्म को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। नए संसद भवन में तमिलनाडु की संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल की स्थापना होती है, डीएमके उसका बायलोकर करती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा समेत कई नेताओं ने पिछले साल सनातन के विरोध में सिलसिलेवार आपत्तिजनक बयान दिए थे। डेंगू काइचल मलेरिया कोरोना இதெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம் சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும் எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள் அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் சனாதனம்னா என்ன சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான் சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது
सनातनங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன நிலையானது 2023 में सितंबर के महीने में उदयनिधि स्टालिन ने जिस कार्यक्रम में यह बयान दिया था उसका नाम ही सनातन उन्मूलन सम्मेलन था। इतना ही नहीं, हाल ही में 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली हुई तो डीएमके प्रमुख स्टालिन की मौजूदगी में राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कही जिसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडियंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। डीएमके नेता महिलाओं के अपमान में कैसी कैसी भाषा बोलते हैं ये तो यही वेलूर के लोगों ने ही देखा है। बीजेपी को एनडीओ को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात वेल्लोर की रैली में कही। ये बात उन्होंने तब कही जब वो खुद 9 दिनों की शक्ति उपासना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि के व्रत पर हैं। बावजूद इसके वो इन 9 दिनों में भी 24 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं। 73 साल की उम्र में भी हर दिन 2 से 3 हजार किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर यूपी के पीलीभीत में रैली की, फिर यहां से 1000 किलोमीटर दूर एमपी के बालाघाट में जनसभा की। इसके बाद बालाघाट से करीब 1200 किलोमीटर दूर चेन्नई में रोड शो किया। नवरात्रि के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मेट्टुपलायम और वेल्लोर में रैली की और शाम को यहां से करीब 1200 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के रामटेक में चुनावी रैली की। नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है जो तमिलनाडु की लोकसभा सीटें जीते बिना मुमकिन नहीं। ऐसे में वो बार बार तमिलनाडु के दौरे कर रहे हैं जो डीएमके को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। இங்க பக்கத்து மாவட்டங்கள்ல வெள்ளத்துல தவிச்சாங்கள அவங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரா? இல்ல. எந்த முகத்தோடு மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வராரு? இவர் தமிழ்நாட்டை மட்டும் இப்படி வஞ்சிக்கல, எதிர்கட்சி ஆள்கிற எல்லா மாநிலங்களையும் வஞ்சிக்கிறாரு. பக்கத்து மாநிலம் கேரளாவில் மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு கடன் வாங்க கூட உச்சநீதிமன்றத்திற்கு போற நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறார். सवाल ये कि क्या तमिलनाडु में डीएमके को बीजेपी सचमुच चुनौती दे पाएगी? 2024 में विपक्षी गठबंधन से सीटें छटक पाएगी? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन 2019 में क्या हुआ था जरा उसे भी देखिए। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन यूपीए को 53% वोट और 38 सीटें मिली थी, तो एआईए डीएमके और बीजेपी गठबंधन को 31% वोट और सिर्फ 1 सीट मिली थी। तमिलनाडु में 2019 के चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की, वहीं देश भर में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। उसकी सहयोगी एआईडीएमके को महज 1 सीट मिली, लेकिन इस बार तो वो एआईडीएमके भी बीजेपी के साथ नहीं है। वहीं विपक्षी गठबंधन पूरी तरह इस बार भी अटूट है। तमिलनाडु में इस बार बीजेपी के गठबंधन का गणित बदल गया है। यहां बीजेपी 39 में से खुद 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें वो 3 छोटे दल भी शामिल हैं जिनके उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में हैं। तो 10 सीटें पीएमके को मिली है, टीएमसीएम को 3 सीटें और एएमएमके को 2 सीटें मिली है, जबकि 1 सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन से डीएमके 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इनमें केएमडीके का एक उम्मीदवार भी शामिल है। तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, सीपीआईएम और सीपीआई को 2-2 सीटें मिली है, जबकि वीसीके को 2 सीटें मिली है, तो एमडीएमके और आईयूएमएल को 1-1 सीट मिली है। तीसरे गठबंधन में एआईएडीएमके खुद 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसकी सहयोगी डीएमडीके 5 सीटों पर।
अब सवाल ये कि तीन गठबंधन की इस लड़ाई में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु में 2024 में बीजेपी मैक्सिमम ट्राइंग कर रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतना बार तमिलनाडु चलेगा और मैक्सिमम ट्राई कर देगा, बीजेपी ने मैक्सिमम ट्राई कर देगा, बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी इजी फॉर बीजेपी टू गेट इनरोड्स इनटू तमिलनाडु पॉलिटिक्स। बीजेपी का इरादा तमिलनाडु में खुद को दूसरी बड़ी सियासी ताकत बनाना है, उसे सीटें कितनी मिलती है ये तो चुनावी नतीजों से पता चले, लेकिन पार्टी का लक्ष्य वोट शेयर को दहाई अंकों में ले जाने का है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तमिलनाडु में करीब 4% वोट मिले जबकि सीट एक भी नहीं। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में उसे करीब 3% वोट और 4 सीटें मिली। केरल और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु वो राज्य है जहां 2019 में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त मेहनत और बीजेपी के फायर ब्रांड युवा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की सक्रियता के बूते पर पार्टी को इस राज्य में करिश्मे की उम्मीदें हैं। डीएमके का दावा है कि 2024 में भी बीजेपी तमिलनाडु में 0% सिमट जाएगी। நாம் தலை நிமிர்ந்து வாழ முடியாத ஒரு நிலைக்கு நம்மை கொண்டு வந்து தள்ளினார்களோ அதையேதான் இப்பொழுது பிஜேபி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டுக்கு ஒண்ணுமே செய்யாதவர் திரு மோடி ஏதாவது செஞ்சிருக்காரா? உருப்படியா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரா? வந்து பார்த்தாரா? மிக்ஜாம் புயல் அடிச்சதே வந்து பார்த்தாரா? உங்களை எல்லாம் ஏமாத்தணும்னு வாக்குக்காக வராரு திரு மோடி அவர்கள். அவருக்கு வேட்டு வைக்கணுமா வேணாமா அது உங்க கையில தான் இருக்கு, செய்வீங்களா? तो बीजेपी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से तमिलनाडु का माहौल बदल चुका है, जिसकी झलक 19 अप्रैल को मतदान के दिन ही दिख जाएगी। मूड इज वेरी वेरी क्लियर थ्रू द रोड शो एंड पीपल आर रियली रियली एक्साइटेड एंड मोदी जी'स रोड शो टुडे इज ट्रूली ट्रूली हिस्टोरिक।